Let's do question number 6 of exercise 12a, that is circles. Question number 6 is in the given figure. Friends, figure de rakhi hai, figure bana lete hain. Circle de rakha hai. Jisme chord de rakhi hai AB aur center se hota hua ek dusri chord. Ye de rakha hai 0, oh sorry, A, B, C and D. राइट आगे क्या कह रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इन द गिवन फिगर द डायमीटर सीडी सीडी क्या है एक डायमीटर जो सेंटर से पास होता है तो वो डायमीटर कहलाता है सीडी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे एबी पे इफ एबी इज 12 सेंटीमीटर एबी हमारी दे रखी है 12 सेंटीमीटर राइट और सीई दे रखी है सीई दे रखी है हमें कितनी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हमें रेडियस निकालना है सर्कल का रेडियस ये आ गया राइट फ्रेंड्स ये हमें सर्कल का रेडियस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स देखिए हमें एबी दे रखा है 12 सेंटीमीटर राइट और CE दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर फ्रेंड्स तो हम रेडियस क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट रेडियस OA इक्वल्स टू x सेंटीमीटर राइट फ्रेंड्स अब मैं रेडियस OA कहूं OC कहूं या OD कहूं सब x सेंटीमीटर हो गए राइट फ्रेंड्स तो OE कितना आ गया OE इक्वल्स टू कितना आएगा OE कैसे निकलेगा OC में से CE माइनस कर दूं तो OE निकल जाएगा OC में से CE माइनस कर दूं तो OE निकल जाएगा अब हमें पता है रेडियस OA जितना था उतना ही OC है उतना ही OD है सारे रेडियस सेम होते हैं राइट फ्रेंड सर्कल के जो भी पॉइंट सेंटर से होके सर्कल को टच करता है वो सारे रेडियस कहलाते हैं OC भी सेंटर से टच होके सर्कल को टच कर रहा है तो वो R कहलाएगा OD भी R कहलाएगा तो रेडियस कहलाएगा तो ये हमने x मान लिया है तो अब OC कितना था x और CE कितना था हमारा 3 तो ये क्या आ गया हमारा OE राइट फ्रेंड्स इतना सेंटीमीटर अब हमें ट्रायंगल AEO देखना है x की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल AEO राइट फ्रेंड्स AEO में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AE का होल स्क्वायर प्लस OE का होल स्क्वायर हो गया OA कितना था हमारा x सेंटीमीटर माना था x का होल स्क्वायर AE कितना आया AE देखिए AE कैसे आएगा हाफ ऑफ AB तो हाफ AB कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस OE कितना आया था x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब ये कितना हो गया x स्क्वायर ये कितना हो गया 6 6 जा 36 प्लस ये कितना आया a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a यहां पे x है और b यहां पे 3 है राइट फ्रेंड्स तो a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab राइट फ्रेंड्स तो a की जगह मैंने x लिख दिया प्लस b की जगह मैंने 3 लिख दिया माइनस 2 इनटू x इनटू 3 तो ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 3 का स्क्वायर कितना आया a स्क्वायर प्लस 3 इज अ 9 माइनस 6x तो ये मैं यहां लिख रही हूं माइनस 6x अब मैं ब्रैकेट खोल रही हूं equals to 36 plus x square plus बाहर है तो अंदर के sign कोई भी change नहीं होगा अब friends देखिए equal to के same variable है दोनों तरफ दोनों के sign भी same है तो हम cancel कर देते हैं अगर ऐसे नहीं कर सकते इसको इधर लेके जाएंगे तो भी minus का हो जाएगा तो भी cancel हो जाएगा right अब ये क्या आया 0 equals to 36 plus 9 कितना हुआ हमारा 45 माइनस 6x राइट ये 6x इधर आ गया 6x इक्वल्स टू 45 तो
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, 7.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा एक्स, दैट मींस हमारा रेडियस कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ही निकालना था इसमें, तो रेडियस इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.